हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कल हमने देखा था मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन। चलिए आज मैं ले आ चुकी हूँ आपके लिए नाइट स्किन केयर रूटीन, जो कि बेस्ट सूटेड है ऑल स्किन टाइप्स के लिए। तो चलिए फटाफट से वीडियो पर चले जी। फर्स्ट काम आपको करना है रात में, वो है आपके दिन भर के मेकअप को आपके स्किन से निकालना। इसके लिए बेस्ट सूटेड जो होम रेमेडी हम यूज़ कर सकते हैं वो है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल को एक कॉटन में ले और फिर अच्छे से अपनी स्किन पर जमी हुई सारी मेकअप को निकाल दे। ये एक एंटी माइक्रोबियल है जो कि आपके स्किन पर लगी हुई सारी माइक्रोब्स को भी निकाल देगी। नेक्स्ट आता है हमारा क्लिंजर। बेस्ट क्लिंजर तो आप जानते ही हैं, बेसन से बड़ा और कुछ नहीं। ये आपके स्किन की सारी पोर्स को ओपन कर देगा और उसमें जमी हुई सारी केमिकल और फिर दिन भर की सारी डस्ट को निकाल देगा। ये भी सारे स्किन टाइप्स के लिए बेस्ट है। इसे अच्छे से अपने हाथों में थोड़ा सा लेकर आपके फेस पर लगाकर मसाज करते हुए धो दीजिए और देखिए आपकी स्किन हो जाएगी क्लीन। और फिर नेक्स्ट और लास्ट आता है आपकी स्किन पर मॉइस्चराइज़र लगाना। रात के समय मॉइस्चराइज़र का काम आपके लिए इजी करके देगा एलोवेरा जेल, जो कि एक स्पून लेना है, और फिर एक विटामिन ई कैप्सूल जो कि आपके कोई भी मेडिकल में मिल जाएगी। इन दोनों को अच्छे से मिक्स करके आपके फेस पर अच्छे से मसाज करते हुए लगाए। ये आपकी स्किन में ग्लो देगा, आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखेगा और एंटी एजिंग का भी काम करेगा। इन दोनों को आप फेस पर लगाकर पूरी रात छोड़ दें और देखिए इसका कमाल। ये आपकी स्किन को अच्छे से नॉरिशमेंट देकर और भी ग्लोइंग देगा, जिससे कि आपके सारे स्किन की परेशानियां दूर होगी और मॉइस्चराइजिंग के साथ आपका स्किन और भी यूथफुल लगेगा। चलिए और कहाँ चले, रुकिए तो, टिप ऑफ द डे तो अभी बाकी है। वीडियो पर बने रहे, जाइएगा नहीं। मॉइस्चराइजर रात में लगाकर आप स्किन को ऐसे ही छोड़ के अच्छे से अपनी नींद को कंप्लीट करें, जिससे कि आपकी सारी थकावट दूर होगी। और फिर टिप ऑफ द डे ये है कि आप इम्पॉर्टेंट टिप तो फॉलो करना ही है। अगर आप ये नहीं फॉलो करेंगे तो फिर कहेंगे कि बाबा नाइट केयर का कोई यूज़ ही नहीं। ऐसा नहीं है दोस्तों, आप अपनी हैबिट को चेंज करें। आप सही टाइम पे सोएं ताकि आपकी स्किन में यूथफुल बनी रहे। तो एंटी एजिंग के लिए तो कोई भी चीज़ आप अपने चेहरे पर लगाएंगे, कुछ भी करेंगे, तो भी आप अगर प्रॉपर रूटीन नहीं फॉलो करेंगे तो कैसा होगा। देखिए, आप जब सोते हैं तो आपके रूम को ज़्यादा उजाले से ना जगमगाए, ताकि आपके आँखों पर और आपके स्लीप पर कोई डिस्टर्बेंस हो, जिससे कि आपकी आँखों में स्ट्रेन आएगा और फिर आपके एज के से भी जल्दी आपके आँखों के नीचे स्ट्रेन से फाइन लाइंस दिखने शुरू हो जाएंगे। इसलिए जितना हो सके उतनी कम रोशनी में सोने की आदत बनाएं। और सबसे बुरी बात हम लोगों की ये है कि हम रात में टीवी देखते हैं रात भर, वो भी देर रात। जी हाँ, ये ज़रूर अवॉइड करें, जिससे कि आपकी आंखों पर स्ट्रेन और भी ज़्यादा होता है और टीवी से निकलने वाली रोशनी, उजाला और रेस इतनी बुरी होती है कि रात के समय ये और भी ज़्यादा आपकी स्ट्रेन की वजह से फेस की ग्लो को भी नुकसान पहुँचाती है। इसी तरह एक और बुरी आदत है म्यूज़िक सुनना। जी हाँ, हर किसी को हमें आदत है कि हम हेडफोन्स डालकर आराम से सो जाते हैं और सोचते हैं कि चलो बाबा, हमने तो सारी नाइट रूटीन कर ली है, अब इसका क्या फ़र्क पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, इसका बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ता है। जब आप ईयरफोन डालते हैं तो आपको पता भी नहीं चलता कि सुनते सुनते आप कितनी देर तक म्यूज़िक सुन रहे हैं। इसी तरह है लैपटॉप का यूज़ करना। आजकल की एडवांस टेक्नोलॉजी ऐसी एडवांस हो गई है कि लैपटॉप लेकर हम लोग बैठ जाते हैं कोई भी गेम खेलने या फिर अपना कुछ काम करने, और साथ में मोबाइल भी ले लिया हाथ में। चलिए एक के साथ एक
अब इन दोनों का क्या करें भला? ये भी तो है जो आपको सोने से रोकती है। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों को भी ज़रूर अवॉइड करें। देखिए, इन सभी को आप फॉलो ना करते हुए बस नाइट रूटीन करेंगे तो कैसे काम चलेगा। और एक और इम्पॉर्टेंट टिप देती हूँ मैं आपको, हर रोज़ ये हैबिट करें कि आप रात में एक ग्लास दूध सोने से पहले पिए, जिससे कि आपकी स्किन की ग्लो बनी रहती है और आपको नींद आने में भी कोई तकलीफ नहीं होगी, झटपट नींद देगी ये। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ज़रूर फॉलो करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।